अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनावों में चौथी बार रिकॉर्ड जीत दर्ज करने पर अनुराग ठाकुर के घर समीरपुर में देर रात तक लोगों का लगा रहा तांता। वहीं आज सुबह से ही हजारों की तादाद में कार्यकर्ता बधाई देने पहुंचे। समीरपुर में घर पर पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के अलावा छोटे बेटे अरुण धूमल, विधायक कमलेश कुमारी भी मौजूद रही। दूर दूर से आ रहे कार्यकर्ताओं में जोश दिखा तो कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर भी एक दूसरे को बधाई दी। वहीं कार्यकर्ताओं के लिए विशेष तौर पर धाम का आयोजन भी किया गया था। लोकसभा चुनावों में चौथी बार रिकॉर्ड जीत दर्ज करने पर अनुराग ठाकुर के घर समीरपुर में देर रात तक लोगों का तांता लगा रहा। वहीं आज सुबह से ही हजारों की तादाद में कार्यकर्ता बधाई देने पहुंचे। समीरपुर में घर पर पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के अलावा छोटे बेटे अरुण धूमल, विधायक कमलेश कुमारी भी मौजूद रही। दूर दूर से आ रहे कार्यकर्ताओं में जोश दिखा तो कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर भी एक दूसरे को बधाई दी। वहीं कार्यकर्ताओं के लिए विशेष तौर पर धाम का आयोजन भी किया गया था। अपनी जीत पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि नतीजों के बाद भी रात करीब 3 बजे तक लोगों का हजूम घर पर लगा रहा और इस जीत के लिए मोदी और अमित शाह का आभार जताया। उन्होंने 4 लाख मतों से जिताने के लिए जनता का भी आभार जताया और कहा कि जनता के द्वारा दी गई जिम्मेदारी को दिल से निभाऊंगा। कल रात को भी लगभग 3:30-4 बजे तक यही कार्यकर्ताओं की खुशियों भरा तांता लगा रहा और आज भी सुबह 7:30-8 बजे से हजारों की तादाद में कार्यकर्ता धन्यवाद करने पहुंचे हैं, बधाई देने पहुंचे हैं। पहले तो मैं माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे चौथी बार चुनाव लड़ने का और जीतने का अवसर दिया। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का और अपने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने 4 लाख मतों से जिताने का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। चौथी बार 4 लाख से सेवा करने का अवसर दिया, मैं सदा के लिए इनका आभारी हूँ, बहुत धन्यवादी हूँ। ये जो कार्यकर्ताओं की दिन रात मेहनत थी, पार्टी का नेतृत्व था, प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने शानदार काम किया, केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ, इन सबका हमें लाभ मिला है। मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि सारी उम्र के लिए उनका काम करने के लिए जो मुझे जिम्मेदारी दी है इसको निभाऊंगा भी, अपने इलाके की सेवा भी करूँगा। मुझे लगता है आनंद ही इसमें है जब आपसे अपेक्षाएं ज़्यादा हों, और अगर आप मेरे पिछले 11 वर्ष का कार्यकाल देखेंगे, मैंने लगातार भागदौड़ की है, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे पार्लियामेंट की बात हो, चाहे बाकी जिम्मेदारियां हो, कहीं अपने क्षेत्र की पीठ नहीं लगने दी। और विश्वास दिलाता हूँ पहले भी 24 घंटे में से 18-20 घंटे काम किया, दिन रात एक करके मेहनत की, अब भी कोई कमी नहीं आने देंगे। चहुमुखी विकास अपने संसदीय क्षेत्र का करेंगे, पहले भी वो प्रोजेक्ट लाए जो कोई दूसरा नहीं कर पाया था, आगे भी इनको पूरा भी करवाएंगे, नए भी लाएंगे। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, हमारी ओर से कोई कमी नहीं होगी। ये प्यार बहुत कम लोगों को मिलता है जो आशीर्वाद मुझे अपने संसदीय क्षेत्र में मिला है। ये प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की देन है जिन्होंने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को जीत पहला कमल खिलाया था तो धूमल जी ने खिलाया था, और उसके बाद लगातार जीत पर जीत आदरणीय धूमल जी ने संसदीय क्षेत्र में दिलाई। उनके यहाँ के कार्यकर्ता दिल से जुड़े हैं, उनका बहुत आभारी भी हूँ। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय अध्यक्ष जी ने, माननीय नड्डा जी ने, सब ने बहुत प्रयास किए और सब संभव हो पाया, मैं सबका बहुत आभारी हूँ। सर, चुनावों में कांग्रेस के कई राज्यों में खाते भी नहीं खोल पाने पर अनुराग ने कहा कि सालों तक अन्याय करने वाले चुनावों में न्याय की बात करने पर जनता ने कांग्रेस को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि लोगों का विश्वास मोदी में था, कांग्रेस में नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने नेतृत्व के बारे में चिंता करने की जरूरत है और कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं के चेहरों को जनता पसंद नहीं करती है। उन्होंने कहा कि पहले भी जनता के लिए विकास करवाया है और संसदीय क्षेत्र के लिए नए प्रोजेक्ट लाए जाएंगे। देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब झूठ बोलकर आप प्रचार प्रसार करोगे, जनता को केवल गुमराह करने का काम करोगे, तो कांग्रेस का यही हर्ष होना था। वर्षों तक अन्याय करने वाले जब झूठे न्याय की बात करें, तब ना उनके कार्यकर्ताओं ने विश्वास किया और ना ही लोगों ने विश्वास किया। यही बड़ा कारण है कि बड़े बड़े दिग्गज भी अपने पोलिंग बूथों से लीड नहीं दिला पाए, क्योंकि लोगों का विश्वास मोदी जी में था, कांग्रेस में नहीं था। मोदी जी का विकल्प विपक्ष नहीं दे पाया, ईमानदार नेतृत्व नहीं था।
कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी और विपक्षी दलों को अपने नेतृत्व के बारे में चिंता करने की आवश्यकता है कि आखिरकार उनके भ्रष्ट चेहरे को लेकर जनता अब उनको पसंद नहीं करती है। तय इन दलों को करना होगा कि अपने नेतृत्व में क्या बदलाव करना है, क्योंकि देश ने जात पात से ऊपर उठकर वोट किया है, विकास के लिए वोट किया है और विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट किया है। कई राज्यों में कांग्रेस के खाते भी नहीं खुल पाने पर अनुराग ठाकुर ने इसे मोदी मैजिक बताया है। लोकसभा चुनावों में मिली रिकॉर्ड जीत को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये पहला चुनाव देश का रहा है कि जिसमें महंगाई और भ्रष्टाचार मुद्दे नहीं रहे हैं और ये सब नरेंद्र मोदी के कारण हो सका है। उन्होंने कहा कि मोदी ने देश में समान विकास करवाया है जिसके कारण ही आज कांग्रेस कई राज्यों में खाते भी नहीं खोल सकी है। मुझे लगता है सत्ता पक्ष की दोबारा जीत हुई है। प्रो इनकम्बेंसी वोट जो है कि आपने काम किया तो आपके पक्ष में मतदान हुआ, ये इसलिए है कि हमने ईमानदारी से काम किया। महंगाई 5 साल कहीं नजर नहीं आई, 12% से कम करके 2.5% पर आई। भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया और ये पहला चुनाव आज़ादी के बाद होगा जब महंगाई और भ्रष्टाचार दोनों ही मुद्दे नहीं थे। ये संभव हुआ तो ईमानदार नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ और यही कारण है कि जनता ने काम करते देखा है, सबका साथ सबका विकास और सबने जात पात धर्म से ऊपर उठकर मोदी जी के लिए वोट किया। सबका बहुत बहुत अभिनंदन।